हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ द हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज आपका संडे है, टुडे इज 14th ऑफ मार्च और संडे है आज। तो संडे के दिन आप लोगों को पता है कि ज्यादा न्यूज़ नहीं आती और आपका जो एडिटोरियल पोर्शन है वो भी नहीं आता है। तो जितनी भी आज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आज साइंस एंड टेक आता है और आपका FAQ आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो हम उन्हें कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पर्टिकुलर चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अनअकैडमी द्वारा कुछ नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब ये जो बैचेस हैं ये उन एस्पिरेंट्स के लिए, द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 एंड 2023। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज ईयर्स तो आप लोग इस पर्टिकुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग 17th ऑफ मार्च से ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोगों को खुद पता चलेगा कि जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को कितना ज्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के बाद से आप लोग प्रेफर यही कर रहे हो कि घर बैठ के जितनी क्लासेस ली जाए वो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर अनअकैडमी में आपको ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे बैचेस हैं, आप लोग जरूर एनरोल करें। ओके, बैचेस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपको कौन सा कोड यूज करना है। यू हैव टू यूज कोड स्टडी आईएएस, जो कि चैनल का नाम है। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए प्लीज आप लोग जो कोड है उसका इस्तेमाल जरूर करिए। ओके, चलिए अपनी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ आज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है 14th ऑफ मार्च, ज्यादा न्यूज़ है नहीं। अगर फ्रंट पेज पे ये चीज देख लेते कि कोविड 19 के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और 60% केसेस जो हैं वो रिकॉर्डेड हो रहे हैं आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए अगली खबर यहाँ पे देखिए कि जो वायनाड है केरला में, और वहां पे आपका मधुमलई और गुदालूर है तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका बैम्बू है, ठीक है, बैम्बू प्लांट है, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो करीब 40 इयर्स तक का होता है, ठीक है, इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 40 इयर्स। तो बेसिकली क्या है, जैसे ही वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है उसके बाद से ही उसकी जो वो मरता जाता है, ठीक है, इट स्टार्ट गेटिंग डेड। तो यहाँ पर जितने भी आपके हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, द वंस हु आर लाइक, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी लाइफ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके बैम्बूज नहीं होंगे, ठीक है, तो खेती वगैरह सारी चीजों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऐसी जगह है वायनाड कि यहाँ पर क्या होता है कि बाकी सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं समर के टाइम में, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग, दे स्टार्ट कमिंग ओवर हियर फॉर देयर फूड पर्पस। और अगर वही चीज इनको नहीं मिलेगी यहाँ पे तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये फ्लावरिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जब ये पत्तियां वगैरह सूख जाती हैं तो इससे क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे फायर लगने के भी इंसिडेंट देखे जा सकते हैं उस प्रकार से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात करिए आपकी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका हैव बैंड बुरखा। तो श्रीलंका में देखने को मिला है कि जो बुरखा है उनको बैन कर दिया है, करीब 1000 जो मदरसे हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है। अब यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि ये जो बुरखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो बुरखे हैं ना, बुरखों की वजह से क्या हो रहा है कि दे आर जस्ट बेसिकली ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मतलब उग्रवाद का यहाँ पर एक मतलब रिलेशन दे दिया है कि बुरखों की वजह से। थोड़ा अजीब है कि देखिए किसी भी पहनावे की वजह से किसी को हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, पहनावे की वजह से अगर हम किसी को जज करना शुरू कर दें तो वो ज्यादा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बोल दिया गया है कि ये उग्रवाद से रिलेट करता है, दैट्स व्हाई इसको बैन कर दिया, बुरखे वहां पर कर दिए हैं बैन आपके श्रीलंका में। ओके, और करीब 1000 मदरसे जो है उनको भी बंद करवा दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, UN Rights Panel slams detention of Zargar। अब ये जो आपकी सफोरा जरगार आपको यहाँ पे दिख रही है, तो बेसिकली क्या हुआ है, जो UN Rights Panel है, ठीक है, तो आपने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में सुना ही होगा,
तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हमारे देश में कि यहाँ पर जब आप लोगों को पता है कि सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था जामिया में, तो ये जो है आपकी एक पर्सनालिटी है सफोरा जरगार, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, ये प्रोटेस्ट में थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था आपके जामिया में, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने इनको कर लिया था अरेस्ट, और प्रोटेस्ट के टाइम पर ही ये प्रेग्नेंट भी थी, तो अब ये प्रेग्नेंट थी और उसके बावजूद भी इनको जब अरेस्ट कर लिया, तो ये चीज पर जो आपका ह्यूमन राइट्स है उन लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि इंडिया में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार भी नहीं मिल रहा है, और अगर कोई रख भी रहा है तो उसकी मतलब ये सारी हालत देखे बिना ही उसको अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है। ओके, अगर आप बात करें आपके यूएनएचआरसी की, तो बेसिकली जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, ठीक है, जिसका मिशन यही है कि वो प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो इसमें करीब आपके 47 मेंबर्स हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओके, और 47 मेंबर्स हैं, 3 इयर्स का स्पैन होता है इसका, टर्म जो है सिर्फ 3 इयर्स का टर्म होती है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ यही है कि ये लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो लोगों के राइट्स वगैरह हैं। अब देखिए ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही उभर के आ रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया में आपको अपने राइट्स नहीं मिल रहे, अपनी बात रखने का एक पर्टिकुलर मौका नहीं मिल रहा है। तो आप लोग मुझे भी बताइए कि आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता है कि आपको इंडिया में अपनी बात रखने का कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो भी इशू हुआ था, दैट इज ऑन द अदर हैंड, जो भी चीज है वो तो एक बिल्कुल अलग सीन है, ठीक है, जो हुआ वो भी गलत था कि मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट और उस टाइम पे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, बट उस टाइम पे प्रोटेस्ट के टाइम पे सबको पता है कि कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसमें बहुत सारी जगह थी वो बंद भी कर दी गई थी, बसेस भी जलाई जा रही थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हार्म हो रहा था, तो वो भी सारी चीजें हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बात कर रही है कि मिजोरम ग्रुप डिमांड सैंक्शंस ऑफ म्यांमार। नाउ म्यांमार को आपको पता है कि म्यांमार में क्या चल रहा है, बेसिकली म्यांमार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, म्यांमार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। जैसे आपको पता है कि वहां पर पहले डेमोक्रेसी थी, अच्छी खासी डेमोक्रेसी थी वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी थी, बट अब क्या है वहां पे जो मिलिट्री रूल है वो आ गया है, तख्ता पलट हो गया है, तो ये चीज जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करी जा रही है, और वहां पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये न्यूज में काफी ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में आज ही के न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि देयर वर 12 पीपल वर किल्ड, ठीक है, नए और 12 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है वहां पे, ठीक है, प्रोटेस्ट में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बेसिकली म्यांमार हमारे इंडिया से, देर आर 4 स्टेट्स, ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है म्यांमार से। एक तो आपकी अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है एंड नागालैंड है, देर आर 4। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मिजोरम है यहाँ पर जो हमारे प्रेजिडेंट है, प्रेजिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी, तो यहाँ पर उनको बोला गया है कि बेसिकली कि जो म्यांमार है हमें उस पर सैंक्शन लगा देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको पता ही है कि कितने सारे लोग हमारे यहाँ रेफ्यूजी के तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए वहां पे जिस तरीके से मिलिट्री का जो एक खौफ दिख रहा है, उसको वहां से अपनी जान छुड़ा के लोग भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है, क्योंकि किसी को भी नहीं चाहिए मिलिट्री रूल वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी अच्छी खासी थी, डेमोक्रेसी थी, वो डेमोक्रेसी कोई भी नहीं चाहता कि किसी की डेमोक्रेसी छिने, ठीक है। अब वहां पे मिलिट्री जिस तरीके से अपना हक जमाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज 1962 में ही मिलिट्री का जो रूल था, मिलिट्री कूप था, उनके यहाँ आ गया था, और काफी अरसे तक मिलिट्री का रूल वहां पर रहा है। तो मिलिट्री को जब मिलिट्री ने ये देखा कि जब 2020 में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जीती, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जीती है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि मिलिट्री को लगा कि भाई ऐसे तो हमारी गद्दी छिन जाएगी, और ये देख के उन्हें थोड़ी परेशानी होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो अनफेयर थे, इस वजह से उन्होंने क्या करा, जो वहां पे प्रेसिडेंट बनी थी उनको भी डिटेन कर लिया है, और वहां पर वो लोग ले आए कि भाई मिलिट्री रूल चलेगा यहाँ पे, और उस मिलिट्री रूल की वजह से हैं वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपकी, दैट पोल्यूशन लिंक टू वायरस स्प्रेड। अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं
हर्षवर्धन जी, तो उन्होंने बोला है कि बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो ये पोल्यूशन है इसकी वजह से जो COVID-19 वायरस है ये ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली अगर ये देखा जाए कि पोल्यूशन से कैसे फैल सकता है, तो जो आपका PM2.5 है, यानी कि जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, तो उससे बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा हो रहा है कि इसकी वजह से जो पोल्यूशन में ये प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो वायरस है वो भी स्प्रेड हो रहा है। तो अब आपका ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये क्या होता है, ये छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं ना, तो यहाँ जैसे करीब आपका 2.5 बोला है, ठीक है, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर मैटर 2.5 बोला जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इसके अलग अलग डायमीटर के हिसाब से अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उन दोनों की वजह से ही जो वायरस है उसके ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए कि जो वायरस है वो आपके महाराष्ट्र में ज्यादा फैल रहा है, और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट फ्रंट पेज पे देखा था, करीब 60% अगर केसेस का अनुमान लगाया जाए, ठीक है, देखा जाए तो 60% जो केसेस हैं वो आपके महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। ओके, जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और अभी ये भी बोला जा रहा है कि वहां पे लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति है, क्योंकि वहां पे 22,000 केसेस हो चुके हैं, और कुछ केसेस आपके दिल्ली में भी देखने को मिले हैं, केरला, तमिलनाडु, ये जगह ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात करिए आपकी आयुष्मान भारत कैंपेन की, ठीक है। अब आपका आयुष्मान भारत क्या है, तो बेसिकली एक तरीके की कैंपेन है जो चलाई जा रही है आपके द्वार आयुष्मान, ठीक है, इसको बोला जा रहा है आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन है ये, आपकी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके द्वारा। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि 10 मार्च को करीब 4.7 लाख, 10th ऑफ मार्च को करीब 4.7 लाख बेनिफिशियरीज आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। बेनिफिशियरीज करीब 4.7 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं, और अब बेनिफिट क्या मिलेगा इससे ये देखते हैं। तो इसमें क्या है, फ्री हेल्थ केयर आपको सर्विस दी जा रही है, ठीक है, फ्री में हेल्थ केयर सर्विस दी जाएगी यहाँ पे अंडर द आयुष्मान जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत यहाँ पर जो फ्री सर्विस है, ठीक है, वो दी जाएगी। ओके, अब इसमें क्या है, ये कैशलेस सर्विस है, करीब 5 लाख रुपए तक हर फैमिली को हर साल कैशलेस बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है आपकी मार्टिन ब्लूबेरीज के बारे में। नाउ व्हाट आर दीज मार्टिन ब्लूबेरीज, तो बेसिकली ये जो पिक्चर है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ये जो पिक्चर है ये मार्स की है, ठीक है, ये मार्स पे मिली थी, और ये मिली है आपके गुजरात के कच्छ में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या पता चला है बेसिकली हमें, तो ये है आपके हेमेटाइट, दीज आर योर हेमेटाइट। नाउ व्हाट आर हेमेटाइट, वेट मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, हेमेटाइट, तो आपके जो हेमेटाइट है, आपके हेमेटाइट होते हैं रेड ब्लैक मिनरल, दे आर रेड ब्लैक मिनरल, ठीक है, ये रेड ब्लैक मिनरल है, यानी कि इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन है। तो ये जो हेमेटाइट है ये बिल्कुल सिमिलर देखने को मिला है हमें गुजरात के कच्छ में, और यही हमें 2004 में, करीब 2004 में मार्स पे भी देखने को मिला था। तो रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि जो हेमेटाइट है, अब मार्स पर हेमेटाइट का मिलना ये पता चलता है कि वहां पर वाटर प्रेजेंट था, क्योंकि जो आपका हेमेटाइट है उसमें जो क्रूशियल जो वाटर है ना उसका बहुत क्रूशियल रोल है, ठीक है, तो वाटर प्रेजेंट था वहां पर, ठीक है, वहां के जो ओर है उसमें वाटर की प्रेजेंस देखी गई है। और इस हेमेटाइट से, इस हेमेटाइट में मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है आपका वाटर, ठीक है। और उसके बाद ये भी पता चलता है कि वहां पे ऑक्सीजन भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस है। ओके, क्योंकि इसको जो आपका हेमेटाइट है इसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अब ये चीज जो रिसर्च है उससे ये पता चलता है कि जो आपका हेमेटाइट है, यानी कि जो बेसिकली हेमेटाइट तो अलग बात हो गई, हेमेटाइट नहीं, मार्स है जो आपका, तो मार्स पे आपका एक वक्त में वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, ठीक है, इससे ये बात निकल के आ रही है। और ये हमारे कहाँ पर मिले हैं, अभी गुजरात के कच्छ में। ओके,
तो आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जेनेटिक्स ऑफ आई कलर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली बहुत सारे लोगों के जो आई कलर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, किसी किसी के ब्लू भी होते हैं, किसी किसी के ग्रीन भी होते हैं। अब बेसिकली ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं इस न्यूज में। तो यहाँ पे क्या है कि दो फॉर्म देखने को मिलते हैं हमें। तो ये जो आपका आई कलर होता है ना, तो ये बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है मेलानिन की वजह से। किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से। अब मेलानिन क्या होता है? एक नेचुरल पिगमेंट है, नेचुरल पिगमेंट है मेलानिन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपकी स्किन में भी क्या होता है, मेलानिन होता है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको मेलानिन देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली क्या है, एक नेचुरल पिगमेंट है। अब क्या होता है कि इसके ना दो फॉर्म्स हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मेलानिन, ठीक है, दो फॉर्म्स हैं आपके मेलानिन के। तो पहली जो फॉर्म है वो हो गई आपकी यूमेलानिन, यूमेलानिन, ठीक है, और दूसरी फॉर्म है आपकी फ्यूमेलानिन, ठीक है। ये दो फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है, दो फॉर्म है आपके मेलानिन की। अब क्या होता है कि जब देखा जाए कि किसी की जो आई कलर होता है ना ब्राउन होता है, जैसे मान लीजिए किसी का कलर जो आई कलर है वो ब्राउन है, ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब ये दोनों फॉर्म जो होती है मेलानिन की, इनका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, तो यानी कि आपका जो कलर है, आई कलर है, दैट इज व्हाट, दैट इज डार्क ब्राउन, ओके। एंड व्हेन जो ये क्वांटिटी कम है, ठीक है, जब ये क्वांटिटी कम हो जाती है तो आपको जैसे ब्लू और ग्रीन जो एक पर्टिकुलर पिगमेंट, जो ब्लू और ग्रीन कलर देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की ब्लू ब्लू कलर आए होती हैं, ग्रीन कलर आए होती हैं, ठीक है, तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पिगमेंट है उनकी आईज में ये कम होता है। जैसे रिलेटिवली अगर देखा जाए जिनकी ब्राउन या ब्लैक होती है उनकी आईज के हिसाब से कम होता है ये पिगमेंट, जिनकी आंखों का कलर होता है ब्लू और ग्रीन, ओके। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज जितनी खबरें थी, ओके, बेसिकली यहां पर आपको अगर ये दिख रही हो नो मास्क नो फ्लाइट वाली, तो ये मैं यहाँ पे कवर करा देती हूँ। आई थिंक आई हैव मिस्ड द पीपीटी ऑफ इट। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है आपकी, ये न्यूज बात कर रही है कि जो आपका DGCA है, ठीक है, जो आपका DGCA है, दैट इज, इट इज ऑल अबाउट DGCA, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जिसको बनाया गया था करीब एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 में। तो यहाँ पे DGCA क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर आप लोग फ्लाइट में, मतलब अगर आप लोग मास्क नहीं पहनोगे तो आप लोग फ्लाइट अटेंड नहीं कर सकते हो। इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क देन यू आर नॉट एबल टू, आपके लिए फ्लाइट भी नहीं होंगी, ठीक है। अब ये देखिए आपके जो कोविड की वजह से, जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी सेफ्टी है उसके हिसाब से ये बात करी जा रही है, ठीक है, विच इज आई पर्सनली फील कि ये बहुत सही चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी जगह देखा है मैंने, मास्क तो पहन ही नहीं रहे, दे अवॉइडिंग, ठीक है। अब अवॉइड क्यों कर रहे हैं वो ये नहीं पता, बट दे अवॉइडिंग टू वेयर मास्क। और मास्क पहनना हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि केसेस अभी भी बहुत सारे रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी बोल दिया है कि पोल्यूशन की वजह से भी जो वायरस है वो काफी ज्यादा फैल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ वायरस नहीं है तो पोल्यूशन तो होगा, पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहन लो, है ना। तो मास्क को कर दिया है मैंडेटरी, अगर अगर आप लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो आप लोग ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे DGCA के बारे में बात हो रही है, ये एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको बनाया गया था आपके एयरक्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के अंडर, ठीक है, इसके अंडर इसको बनाया गया था। और उसके बाद जैसे आपके फ्लाइट में, अब इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जैसे फ्लाइट में कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसकी सेफ्टी को देखना, ठीक है, ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों को अपने अंडर में रखना, ये इसका काम है। ये एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका आपका न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ओके। और अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए,
ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाए आपके सी ए ए से। अब सी ए ए क्या है आपका? सी ए ए है आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी, या फिर आपके एफ ए ए के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाए। अब एफ ए ए क्या है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही खबरें थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो आप लोग क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ओके, और ये अनअकैडमी के कुछ बैचेस हैं, आप लोग अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 और 23 तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करोगे तो पता है ना कि कौन सा, आप अगर प्लस लोगे तो कौन सा कोड यूज करना है। कोड यूज करना है आपको जो चैनल का नाम है स्टडी आई ए एस। ओके, और हाँ, आप लोगों के लिए शाम में आज मैं मैपिंग की क्लास में आपके लिए एमसीक्यूज लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम लोग आज एमसीक्यूज देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग मैप को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं कल, कल की क्लास में मिलते हैं। कल है मंडे, कल आपके एडिटोरियल्स भी आएंगे और बहुत सारी न्यूज़ भी आएंगी, तो उनको कवर करेंगे। सो कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।